कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को टिकट देने की घोषणा कर सियासी हलचल बढ़ा दी। कारण कि समाजवादी पार्टी के मुख्तार के पुत्र अब्बास अंसारी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब अगर मुख्तार से भाजपा के टिकट पर लड़ते हैं तो बीजेपी की ओर मुश्किलें बढ़नी तय है। कारण कि मऊ की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि मऊ और गाजीपुर जिले में मुख्तार के परिवारों को काफी वर्चस्व है। मुख्तार पिछले चुनाव मऊ सीट से जेल में रहकर जीते थे, जबकि उनके पुत्र अब्बास अंसारी घोसी से बसपा के टिकट पर चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी के फागू चौहान ने हराया था, जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ थे, इसका फायदा पार्टी को मिला था। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा सपा के साथ गठबंधन कर मैदान में उतर रही है। आधा दर्जन छोटे दलों के अथवा संगठनों से भी सुभाषपा ने गठबंधन किया है। मऊ गाजीपुर आजमगढ़ आदि जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 8% के आसपास है। पिछले चुनाव में मुख्तार अंसारी का 1% गिरा था। इसके बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि मुख्तार का किला भेदने में सफल होगी, लेकिन अब मुख्तार और उनके परिवार को सपा का साथ ही ओम प्रकाश का समर्थन भी मिल गया है। ऐसे में विपक्ष की राह तो आसान हो जाएगी, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें पूर्वांचल में बढ़ जाएगी।